हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज और एक न्यू रेसिपी के साथ तुम्हारा भाई हाजिर है। बहुत दिन बाद एक रेसिपी लाया हूं दोस्तों। रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा था कुछ प्रॉब्लम के कारण, और आप देख सकते हैं आज की जो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक और यूजफुल है, जो कि आप लोग इजी घर में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप देख सकते हैं मार्केट से आपको आफ्टर मार्केट कहीं से भी जो बकरे की पचौनी आती है उसको ले आना है, और आजकल तो वैसे मार्केट में साफ मिलती है, और चाहो तो आप घर में भी साफ कर सकते हैं। और इसे साफ करना बहुत ही आसान है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे को 2-3 पानी से अच्छे से गर्म पानी साफ कर लेना है, और एक कढ़ाई में ऑयल लेके थोड़ा खड़ा गर्म मसाला डाल के उसको थोड़ा भूंज लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो उसको सुखा लेना पूरा पानी, और आपके पास समय ज़्यादा हो या थोड़ा ज़्यादा समय तो ऐसे बनाएं, और नहीं तो आप डायरेक्ट उसको कुकर में हल्दी नमक डालकर बॉईल कर ले, ठीक है। 2-3-4 सीटी इसको मार लेना है, और ऐसे भी अच्छा है, इसकी थोड़ी हीक जो स्मेल रहती है वो उड़ जाती है और अच्छी तरीके से पक जाता है, देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें मारेंगे अपन तड़का, ठीक है। और तड़का भी इजीली, ये आप जो पोटली देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इसकी जो राज है, जो कि वीडियो में आपको एंड में बताऊंगा, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। तो इस बकरे की पचौनी का मेन राज यही है दोस्तों। उसके लिए आपको कढ़ाई में ऑयल ले लेना है, मैंने सरसों का ऑयल ले लिया हूँ, आप चाहो तो रेगुलर ऑयल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहे फ्रेंड्स। देख सकते हैं अपना ऑयल फाइनली गर्म हो चुका है, और उसमें अपन डालेंगे अपने इंडियन खड़ा गर्म मसाला, आपके पास जो जो है वो आप उसमें डाल देना। और इसमें अपने थोड़ा डाल दिया फ्रेंड छिली हुई लहसुन, ठीक है, और जिससे जो उसका फ्लेवर आएगा निकल के बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाला है। और ऑनियन काट लेना है आपको बारीक चॉप, ठीक है। और अपनी आ गई ग्रीन चिल्ली, स्वाद अनुसार आपको डाल लेना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग कितनी आपको चटपटी खाना है या कई लोग लाइट खाते हैं तो उसके हिसाब से आपको काट के डाल देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और धीमी धीमी आंच में इसको अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक इसको अच्छी तरीके से भूंज लेना है। वीडियो दोस्तों बहुत लंबी होती है, मगर मैं आप लोग के लिए थोड़ी शॉर्ट बनाया हूँ ताकि आप इजीली समझ जाएं, और रेसिपी में कोई प्रॉब्लम ना हो लंबी वीडियो में। और जैसे कि पचौनी कैसे साफ़ करते हैं आप लोग कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमेंट आएंगे तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए कि पचौनी जो साफ कैसे करते हैं, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे फ्रेंड्स। अब इसमें अपन डाल देना है 2-3 चम्मच आपको अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, अपना प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद अपन तैयारी कर लेते हैं इसमें जो डालने वाले मसाले, ठीक है। इसमें स्पेशल कोई अलग से कोई मसाला नहीं डाल रहा हूँ फ्रेंड्स, जो रेगुलर घर में होते हैं वही मसाले यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें कि ये आ गई अपनी लाल मिर्ची, ठीक है, और अपनी जो देगी मिर्च आती कलर वाली उसको भी ऐड कर देना है, और धनिया पाउडर डाल लेना है, ठीक है। धनिया पाउडर के बाद आपको फ्रेंड देख सकते हैं सारे मसाले को उसमें अच्छे से ऐड कर लेना है, और उसके बाद अपन को धनिया पाउडर 1 चम्मच मैंने लिया हूँ, ठीक है, छोटा स्पून था इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। और उसके बाद आ गई अपनी इसमें गरम मसाला, पिसी हुई जो गरम मसाला होती है ना, और उसके बाद इसमें अपन ने डाल दिए मीट मसाला जो आता है ना मार्केट से, तो आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो आप लोग गरम मसाला से भी आपको चल जाएगा। और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद अपना जो मसाला भुन गया है उसमें अच्छी तरीके से ऐड कर देना है, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से पका लेना है, ठीक है, मीडियम फ्लेम पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स मसाले को अच्छे से भूंज लें, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा उसमें पानी ज़रूर डालिएगा तेज़ फ्लेम हो तो, नहीं तो ये जलने का चांस रहते हैं। तो आप देख सकते हैं मसाला बहुत ही अच्छा भुन चुका है, और कलर देख सकते हैं आप मसाले का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। और वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनने वाली है, आप लोग घर में से ज़रूर बनाना, बहुत ही आसान ट्रिक है। आप लोग सोचते होंगे कि मार्केट से लाएंगे साफ करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगती है, मगर आजकल मार्केट में बहुत आसान साफ हुआ मिल जाता। फाइनली फ्रेंड्स को आपको अच्छी तरीके से मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं मसाले में इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, ताकि इसमें सारे मसाले अच्छी तरीके से मिल जाए। और मैं फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, वाह। इसके बाद दोस्तों इसको प्रेशर कुकर में आपको चढ़ा देना है मीडियम फ्लेम पे, और 4-6 सीटी में आपको मार लेना है, और बीच में आपको थोड़ा देख लेना है कि खोल के पक गया कि नहीं, और उसके बाद जो रिजल्ट आने वाला है ना फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इजी और स्मूथ पक जाएगा, और खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब मज़ा आने वाला है।
देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है देखने में और उतने ही खूबसूरत खाने में भी मज़ा आएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, फाइनली अपनी पचौनी की जो रेसिपी फाइनली रेडी हो चुकी है और बहुत ही प्यारी रेसिपी है। यदि आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और दबा के लाइक करना फ्रेंड्स। थैंक यू।